everyone and welcome to my channel. So today I'll be reviewing the newly launched eyebrow pencils from Blue Heaven. Blue Heaven ने दो टाइप की eyebrow pencils launch की हैं and मैंने दोनों ली हैं. तो one is basically with a spoolie and जो दूसरी वाली है वो without spoolie आती है. तो पहले जो spoolie वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं. जो ये स्कूली वाली आईब्रो पेंसिल है ये इस तरीके के यू नो आउटर केस में आती है, ऐसे कार्डबोर्ड का केस है. एंड इसकी MRP है 150 रुपीज़. बाकी डिस्काउंट पर आपको मिल ही जाएगी. अभी नायका पे अराउंड 10-25% डिस्काउंट पे आपको मिल रही है. एंड ये दो शेड्स में अवेलेबल है, ग्रे एंड ब्राउन. द शेड दैट आई हैव इज ब्राउन और ये मेड इन इंडिया है. एंड ये ऐसे रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आती है इस टाइप के. तो बेसिकली आपको इसके इसको शार्पन करने की ज़रूरत नहीं है एंड लगभग इतना प्रोडक्ट आपको इसमें मिल रहा है. एंड इसकी जो टिप है वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है. तो यूजुअली जैसे आईब्रो पेंसिल्स यू नो रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं, स्लांटेड होती हैं, ये आपको ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में मिल रही है. तो इस साइड आपको मिल जाता है इसका प्रोडक्ट एंड जो दूसरी साइड है वहाँ पर आपको ये स्पूली मिल जाती है. तो पहले देख लेते हैं इसका डेमो, क्योंकि मैंने ये जो आईब्रोज आज फिल की है ये इसी आईब्रो पेंसिल को यूज करके फिल की है एंड फिर बात करेंगे इसके फॉर्मूला की. फॉर्मूला की बात कर लेते हैं. फॉर्मूला आई वुड से इसका डिसेंट है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला भी नहीं है, डिसेंट है. इसकी जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ी सी कम है. तो अगर आपने मिसलेयर की आईब्रो पेंसिल यूज की होंगी तो आपको पता होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड होती है एंड बहुत ही यू नो एक या दो स्ट्रोक्स में आपको कलर मिल जाता है. एंड मैं वही यूज़ करती हूँ, मुझे उसी की आदत है. तो जब आज मैं ये यूज़ करी तो मुझे कलर थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ रहा था क्योंकि उतनी ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है. देन मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा स्वॉच करके इसे दिखा देती हूँ. ये कुछ इस टाइप का है. स्मज टेस्ट की बात करूं तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल स्मज प्रूफ है, क्योंकि जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ले रखा है एंड मैं इसे यहाँ पे ऐसे करूंगी तो ये हटने लग जाएगा और इजीली हट भी जाता है. ये देखो मैंने ऐसे ही मिसलेयर के आईब्रो पेंसिल्स को भी करके देखा था तो वो इतना ईजिली स्मज नहीं होती है, वो थोड़ी ज़्यादा स्मज प्रूफ है. तो अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं. तो सिमिलैरिटीज़ ये है कि जो दोनों का एक्चुअल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है एंड दोनों के जो कलर्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है. तो मैं अभी यहाँ पे स्वॉच करके दिखा देती हूँ. ये जो है ये है स्पूली वाली आईब्रो पेंसिल और ये है शेड ब्राउन. देन अभी मैं बिना स्पूली वाली भी दिखा देती हूँ एंड वो भी मेरे पास शेड ब्राउन में ही है. तो ये है बिना स्पूली वाली आईब्रो पेंसिल और ये है शेड ब्राउन. तो दोनों के शेड बिल्कुल सेम ही हैं एंड एक्चुअल प्रोडक्ट तो है ही सेम. तो ये तो हो गए हमारी सिमिलैरिटीज़ एंड मेड इन इंडिया है. बाकी डिफरेंसेस ये हैं कि ये जो है ये स्पूली के साथ आती है वाली आईब्रो पेंसिल, ये बिना स्पूली के साथ आती है.
जो स्पूली वाली है उसकी एमआरपी है 150 रुपीज़ एंड विदाउट स्पूली वाली है उसकी एमआरपी है 75 रुपीज़। ये एक आउटर केस के साथ आती है जो इस तरीके का होता है एंड ये विदाउट एनी आउटर केस आती है एंड इसमें एक्चुअली आपको कम प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें ये जो स्पूली के साथ आती है इसमें आपको 0.3 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है एंड ये जो आती है इसमें आपको 0.45 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है। एंड इनमें से इनमें थोड़ा सा शेप का डिफरेंस है। ये जो है स्पूली वाली आईब्रो पेंसिल, ये थोड़ी सी ट्रायंगुलर है इसकी जो टिप है एंड इसकी टिप जो है वो रेक्टेंगुलर है। ओवरऑल आई वुड से कि ये एक डिसेंट प्रोडक्ट है एंड ये उन लोगों को आई थिंक ज़्यादा पसंद आएगा जो अभी मेकअप के नए नए हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड आईब्रो पेंसिल्स नहीं पसंद है। फॉर एग्जांपल मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल वो यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतनी इंटेंस पिगमेंटेशन होती है उसकी। तो अगर आपको कुछ लाइट पिगमेंटेशन में चाहिए देन आई वुड से कि आप इसे चेकआउट कर सकते हो। एंड वैसे भी ये यू नो इतने अफोर्डेबल रेंज में मिल रही है, ये सिर्फ 150 रुपीज़ की है, उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा एंड मेड इन इंडिया है, रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आती है, स्पूली भी साथ में है, तो ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको मिस क्लेयर वाली इंटेंस पिगमेंटेशन पसंद है तो आपको ये पसंद नहीं आएगी, और अगर आपको वो इंटेंस पिगमेंटेशन नहीं पसंद है देन यू माइट लाइक दिस वन। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन आप लाइक कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।